नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूचक ई बुलेटिन के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले दैनिक सूचक ई बुलेटिन में राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए नए कदम जो हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। तो चलिए, 22 सितंबर 2022 का दिन है और ये ई सूचक बुलेटिन जो है वो 21 तारीख का 21 सितंबर को सरकार के द्वारा प्रकाशित किए गए इस ई सूचक बुलेटिन में क्या क्या आपके लिए जो परीक्षा उपयोगी जानकारियां हैं वो कौन कौन सी है जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको पता ही है सूचक ई बुलेटिन राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात सबसे पहले वाली कल की रही, राजकीय छात्रावासों के मेस की व्यवस्था के सुधार के लिए 58 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं मेस की, उसमें जय डाइनिंग टेबल हो अन्य कोई भी व्यवस्था है, उन सब व्यवस्थाओं के लिए कितनी 58 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी की है। उसके बाद दूसरी इंपोर्टेंट खबर थी बहुमंजिला जो इमारत है उन बहुमंजिला इमारतों के लिए राज्य सरकार का जलदाय विभाग जो है वो बहुमंजिला इमारतों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए नई नीति जो है वो जल्दी बनाएगा, ऐसा राजस्थान की विधानसभा में कल जानकारी दी गई। इसके अलावा विशेष योग्यजन जो छात्रवृत्ति है मेरे दोस्तों, उस छात्रवृत्ति के बारे में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकू राम जूली ने यह कहा है विधानसभा में कि जैसे ही परीक्षाओं के परिणाम जो बच्चों के आते हैं उनके बाद जो बकाया छात्रवृत्तियां हैं उन छात्रवृत्तियों को प्रदान कर दिया जाएगा या जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें इंपोर्टेंट थी। गांधी जी का एक कोट किया गया है यहाँ पर, वो बहुत इंपोर्टेंट है, अगर मुझे राजनीति छोड़नी पड़ी तो मैं खुशी से नाच उठूंगा, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन आजकल के राजनेता सन्नास कान लेते हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे राजनीति छोड़नी पड़ी तो मुझे उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस खुशी में नाचूंगा झूमूंगा, ये सब गांधी जी ने कहा था। इसके बाद कोरोना सहायता से मृत्यु पर आश्रितों को आर्थिक मदद देने का मामला जो है वो कोई भी मामला लंबित नहीं है, ऐसा सामाजिक अधिकारिता मंत्री जो है टीकू राम जूली ने विधानसभा में यह कहा कि कोरोना के तहत जो मृतक हुए या जो मृतक थे उनके आश्रितों को सरकार के दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो है उसका कोई भी मामला अभी लंबित नहीं है, अब तक जितने मामले थे सबको प्रदान कर दिया गया, फिर भी कोई मामला बचता है तो उसको प्रदान कर दिया जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण योजना कौन सी थी, तो वो थी मेरे दोस्तों ये मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना थी। उस योजना के तहत अनाथ अगर कोई बच्चा है या कोई विधवा महिला है तो विधवा महिला को इस योजना के तहत जो है वो 1 लाख एक मुश्त और बच्चे को भी 1 लाख मुश्त एक मुश्त दिया जाता है। इसको थोड़ा कंसेप्ट वाइज हम आगे समझेंगे। अनाथ बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उसे 2500 रुपए की प्रति माह आर्थिक सहायता और 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे 5 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है। विधवा महिला को आजीवन प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और 18 वर्ष तक उस बच्चे की आयु पूर्ण होने तक उसे 1000 रुपए प्रति माह जो है वो दिए जाते हैं। अनाथ बच्चे अथवा विधवा के बच्चे को विद्यालय पोशाक पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए जो है वो 2000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता है, इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो है उसको थोड़ा विस्तार से ही मैं समझा देता हूं मेरे दोस्तों। ये देखिएगा यहां पर है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है, कोविड-19 के दौरान शुरू की गई ये योजना है। तत्कालीन सहायता 1 लाख रुपए दी जाती है, चाहे कोई अनाथ बच्चा है, ठीक है, अनाथ बच्चा है जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, या फिर कोई विधवा महिला है, ठीक है, उन दोनों को 1 लाख रुपए तुरंत दिए जाते हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा। अगर कोई विधवा महिला है तो उसको 1500 रुपए जो है वो प्रति माह सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। अगर उसका कोई बच्चा है तो उस बच्चे को 1000 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई है, और 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता प्रदान की जाती है। अब जरा सुनिए, अगर कोई बच्चा है और वो अनाथ हो चुका है, बच्चा क्या हो चुका है, अनाथ हो चुका है, उसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है कोविड-19 के दौरान, तो 18 वर्ष तक तो उसे प्रति माह 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने तक उसे 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और 18 वर्ष जैसे ही वो पूर्ण कर लेगा सरकार के द्वारा उसे 5 लाख रुपए की 18 वर्ष आयु पूर्ण होते ही उसे क्या किए जाएंगे, इस योजना के तहत दिए जाएंगे। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसे स्कूल की व्यवस्था के लिए, स्कूल व्यवस्था का मतलब है
उसकी पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक है, इसके अलावा उसकी ड्रेस है आदि की व्यवस्था के लिए सरकार जो है वो एक मुश्त 2000 रुपए दोनों को देगी। विधवा का कोई बच्चा है उसको भी ये सहायता मिलेगी और अनाथ बच्चा है उसको भी ये सहायता मिलेगी। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत अभी जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने यह कहा है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जिसमें हमने उसको राशि प्रदान नहीं किए, जितने लोग आए उन सबको हमने राशियां प्रदान कर दी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा खानिया की बावड़ी जयपुर से इस योजना की शुरुआत की गई थी और 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें प्रदान की जाती है। 2.50 लाख से अधिक परिवारों के जॉब कार्ड अब तक इसमें बन चुके हैं। 4 लाख से अधिक सदस्य जो हैं वो इसमें काम मिलेगा उनको। 1 लाख से अधिक परिवारों ने इसमें काम के लिए आवेदन किया है। 1.40 लाख से अधिक लोगों ने इसमें काम जो है वो मांगा है। देखिए, बड़े शहरों की बहुमंजिला इमारतों में पेयजल की व्यवस्था हेतु नीति तैयार की जाएगी, ऐसा जलदाय मंत्रालय के द्वारा कहा है। जलदाय विभाग जो है उस जलदाय विभाग के द्वारा विधानसभा में ऐसा कहा गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद और क्या कहा गया है, इसके बाद एक पंचायती राज मंत्री जो हमारे रमेश मीणा जी हैं, उन्होंने विधानसभा में यह कहा है कि पंचायत समिति स्तर पर बनने वाले जो अंबेडकर भवन है उन अंबेडकर भवनों के निर्माण का काम वर्ष 2023 तक क्या कर दिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा भी इन्होंने जो है वो आश्वासन दिया है। एक मेरे दोस्तों, कृषि मंडियों में कृषि उत्पादों के बारे में भी जानकारी आई है। कल विधानसभा में जो है वो कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022 जो है वो रखा गया था, वो पारित भी हो गया ध्वनि मत से। अब इसमें यह कहा गया है कि भैया कृषि जो उत्पाद हैं उन गैर कृषि उपज सहित अन्य जरूरत के सामान जो हैं वो भी अब यहां पर क्या किए जाएंगे, बेचे जा सकेंगे, ऐसे इस बिल के अंतर्गत कहा गया। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा जो है उनके द्वारा कहा गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कृषि मंडियों में कृषि उपज की अधिसूचित वस्तुओं के साथ गैर अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार की अनुमति होगी। मंडी में किसानों को उनकी जरूरत की सभी वस्तुएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने के लिए गैर अधिसूचित कृषि उपजों व खाद्य उत्पादों के कारोबार के लिए कृषि उपज मंडी विधेयक 2022 विधानसभा में पारित किया गया था। इस पर विचार विमर्श करने के बाद ये बात कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा जी ने कही है। चलिए, इसके बाद और क्या बात है सर, इसके बाद है खनन क्षेत्र में अब तक 173 निवेशकों द्वारा 3057 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया जा चुका है। इन्वेस्टमेंट समिट जो है 2022 का, जो कि आपको पता है 7-8 अक्टूबर को जयपुर में होने वाला है, उसके तहत जो है वो अभी हाल ही में किस प्रकार जो है वो एमओयू की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग में जो है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उन्होंने ये जानकारी जो है वो दी है। इसके अलावा देखिए, जो सरकार ने यह कहा है कि भाई पुरानी पेंशन योजना है उसके तहत सरकार जो है वो 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी हमारे कार्मिक हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा और 1 अप्रैल 2022 के बाद जो 10% की वेतन कटौती होती थी वो वेतन कटौती पूर्णतया बंद कर दी जाएगी। ठीक है जी, सरकारी हॉस्पिटल जो है उनमें इलाज फ्री मिलेगा, इसकी सरकार ने व्यवस्था की है। प्रत्येक परिवार को 10 लाख की फ्री जो है वो चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा और दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और इसके अलावा किसान की कर्ज माफी में 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज अब तक माफ किया जा चुका है। किसान मित्र ऊर्जा मित्र योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए की अनुदान राशि प्लस इसके साथ साथ वार्षिक रूप से 12,000 रुपए की राशि जो है वो ऊर्जा मित्र मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत दी जाती है। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत इस बार के बजट में 2 रुपए से अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 रुपए कर दिया है। 2 रुपए से बढ़ाकर राशि के अनुदान को कितना कर दिया है, 5 रुपए कर दिया है। इंदिरा रसोई योजना जो है उनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 870, अब 512 रसोईयां और बढ़ा दी गई है। ठीक है, और प्रत्येक जो समस्त घरेलू जो उपभोक्ता है बिजली का जिसकी 50 यूनिट से कम खपत आती है उनके लिए भी 50 यूनिट जो है वो फ्री कर दी है सरकार ने। इसके अलावा 1654 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अब तक राज्य में खोले जा चुके हैं। तो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूल राजस्थान में 1654 वर्तमान में क्या है, संचालित है, ये बात भी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक भी क्या किया गया है, राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया है।
इस अधिवक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जरा सुनिएगा वो बात भी। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 में जो है वो 5 से लेकर के 50 वर्ष तक जो अधिवक्ता अपनी सेवा दे चुका है उसको प्रतिफल राशि मिलनी चाहिए, उस प्रतिफल राशि की व्यवस्था सरकार करेगी, ऐसा राजस्थान विधानसभा में बातचीत हुई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो है वो 54 करोड़ रुपए की राशि टीकूराम जूली के मंत्रालय के द्वारा क्या कर दी गई है, जो छात्रावास है उनके लिए मेस की जो व्यवस्था है, मेस व्यवस्था जो है उसके लिए अभी हाल ही में जारी की गई है। अलवर ग्रामीण से आते हैं टीकूराम जूली साहब जो है, ये मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना आपको पूरी करा दी गई है अभी अभी। इसके अलावा एमएसएमई नीति अभी हाल ही में क्या की गई है मेरे दोस्तों, जारी की गई है। ये 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति और हस्तशिल्प नीति दोनों जारी की गई है राजस्थान। इस नीतियों को जारी करने में एमएसएमई नीति जो है वो भी जारी की और हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान जो है तीसरा राज्य बना है, और राजस्थान की ये पहली हस्तशिल्प नीति है। ये सब बातें आप ध्यान रखना। और 2021-22 का रामस्वरूप जी जो है वो कहां के हैं, वो जयपुर के हैं, और इनको अभी हाल ही में 2020-21 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार मिला है, उद्योग मंत्रालय की मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा दिया गया है। और 2000 अगर बात करें 19-20 की तो 19-20 में बाबूलाल मुराटिया को दिया गया है जो कि जयपुर के, और बुनकर रत्न पुरस्कार जो है वो गंगा सिंह जो है दोसा के उनको प्रदान किया गया है। तो ये ई सूजस बुलेटिन की कुछ जानकारियां आपके साथ साझा की है, उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। हैव ए नाइस डे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।